नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान बैंक मैनेजर ने उड़ाई प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां। किसान सम्मान निधि खाते में भेजे गए पैसे को जबरन कृषि कार्ड में कराया जमा। वहीं महिला ने बैंक कर्मचारियों पर धक्का मुक्की का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की। जी हां, अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम आलमपुर गांवड़ी निवासी महिला गीता देवी ने बताया कि वह अपने पुत्र फूल सिंह के साथ नगर की प्रथमा यूपी बैंक में अपने घरेलू खर्च के लिए किसान सम्मान निधि से पैसा निकालने आई थी, जिस पर बैंक कर्मचारियों ने उसके करीब 12,000 रुपए काट कर उसके कृषि कार्ड में जबरन जमा करा लिया। महिला के विरोध करने पर मैनेजर ने पुत्र के साथ धक्का मुक्की कर बैंक से बाहर निकाल दिया। रोती विलखती महिला ने पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की। उधर शाखा प्रबंधक का कहना है कि महिला ने अपनी मर्जी से पैसा जमा किया है, सभी आरोप निराधार है। क्या नाम है तुम्हारा? गीता नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? आलमपुर से। पैसे क्या क्या काटे तुम्हारे? हा? क्या कहा? कह रही मैंने उसके किसी काट के काट लिए। अब मेरा बाल को मारा। 4,000 काट लिए। बताओ बात क्या हुई थी? इन्होंने कृषि कार्ड में वो घेर दिए हुए पैसे जो 4,000 रुपए आए थे। कृषि कार्ड में काट लिए हमने, हमने दे रहे 1 रुपया अभी। 6,000 खर्चे के लिए भी नहीं दे रहे बिल्कुल भी। 6,000 कहाँ से आए थे वो? जैसा ये जो महिला वाला प्रकरण है, इसमें आपका क्या कहना है, क्या मामला है? हमने कुछ नहीं कहा है, इन्होंने अपने आप ही मोदी को गाली दी, बैंक वालों को गाली दी, मैनेजर को सीधी गाली दी। और लड़के से केवल हमने ये कहा कि आपको थाने चलना पड़ेगा। तुमने अपनी मदर को ऐसे ऐसे उल्टा सीधा समझाया और उन्होंने आके बैंक में उल्टी सीधी सबको, स्टाफ को, हमें गाली दी, मोदी को गाली दी, सबको। इनका आरोप है कि आपने इनके जो पैसे आए थे वो काट लिए और धक्का मुक्की दी। उन्होंने अपने आप बैंक में जमा किए। सुन लो, इन्होंने अपने आप जो है पैसे जमा किए हैं, जमा पर्ची से जमा किए, जमा पर्ची पे इनका अंगूठा है, अपने आप जमा किए, इन्हें कोई पैसा नहीं काटा।